मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी। 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट से यात्रा की शुरुआत करेंगे। पार्टी पहली बार एक साथ 5 यात्रा निकालने जा रही है। 17-18 दिन में ये यात्राएं 10,543 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। पार्टी का दावा है कि महाकुंभ में प्रदेश भर से 10,00,000 कार्यकर्ता जुटेंगे। 3 दिन के सामूहिक अवकाश और भोपाल के अटल पथ पर प्रदर्शन के बाद सोमवार से मध्य प्रदेश में 19,000 पटवारी हड़ताल पर चले गए। सुबह 11 बजे के बाद उन्होंने तहसीलों में बस्ते जमा करा दिए। हड़ताल से जनता से जुड़े कई काम अटकेंगे, खासकर पटवारियों द्वारा किए जाने वाले नामांतरण और जाति प्रमाण पत्र जैसे 7 महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकेंगे। देश भर के पटवारी तहसील ऑफिस में अपने बस्ते जमा करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं, भाजपा इसे करा दे तो हैरानी नहीं होगी। हमने बंगाल में CPM के शासन को खत्म किया, अब लोकसभा में भाजपा को हराएंगे। उन्होंने राज्य के गवर्नर CV आनंद बोस को चैलेंज भी किया। बोले, राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगस्त में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। तेज बारिश होने के बजाय धूप चटकने के साथ मामूली बूंदाबांदी हो रही है। हालत यह है कि देश के कई राज्यों में दूसरा सावन भी बारिश को तरस गया। किसानों के माथों पर उभरी चिंता की लकीरों से सूखे की आहट सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये धोखेबाज लोग हैं। हिंगोली में रविवार को रैली के दौरान उद्धव बोले, भाजपा आया राम गया राम पार्टी है, जानेता पाला बदलते रहते हैं। एनडीए में शामिल अधिकतर पार्टियां धोखेबाज हैं, दूसरी पार्टियां तोड़कर लोग इसमें शामिल हुए। उद्धव ने अमीबा और मालगाड़ी से एनडीए सरकार की तुलना की। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी गठबंधन INDIA की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। बैठक से पहले कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने INDIA में कुछ और राजनीतिक पार्टियों के शामिल होने की बात कही। NDA की पिछली बैठक में शामिल होने वाले 38 दलों में से 4 विपक्षी गठबंधन के संपर्क में है, जल्दी वे INDIA के साथ जुड़ जाएंगे। इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है। उसका नाम आदित्य L1 रखा गया। इसरो ने सोमवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। इसे सूर्य के चारों ओर बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया। यान को श्रीहरिकोटा में से PSLV XL रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। सपा और भाजपा ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को घोसी में जनसभा करेंगे। सपा मुखिया के आगमन को देखते हुए पार्टी के नेता तैयारी में लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर को घोसी चीनी मिल के पास मैदान में जनसभा करेंगे। क्रिकेट में स्लो ओवर रेट की वजह से पहली बार रेड कार्ड दिखाया गया। ये कार्ड कैरेबियन प्रीमियर T20 लीग में आया। दरअसल रविवार को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच मुकाबला था। पहले फील्डिंग कर रही राइडर्स टीम को रेड कार्ड मिला। राइडर्स ने आखिरी 3 ओवर्स में स्लो बॉलिंग की थी और टीम जरूरी ओवर रेट से पीछे थी। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। वह इन दिनों मेकर्स फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच एक्टर R माधवन ने बताया कि उन्होंने हाल ही में ये फिल्म देखी। एक्टर ने फिल्म का रिव्यू किया और उन्होंने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की जमकर तारीफ की है। R माधवन ने आगे लिखा कि कहानी मास्टर स्टोरी टेलर विवेक अग्निहोत्री ने सुनाई है जो आपको खुश कर देगी।